अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, तो मैं हूँ असमनाज और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाल्टी गोश्त की रेसिपी। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बाल्टी में ही बनेगा। इस रेसिपी का नाम है बाल्टी गोश्त। इसके मसाले और इसकी जो होते हैं उसके सारे मसाले वसाले अलग तरीके से डलते हैं। तो इसके लिए मैंने जो अज्जा लिए हैं यहाँ पर लिए हैं मैंने मटन आधा किलो, 2 चम्मच ले रही हूँ मैं लहसुन अदरक के पेस्ट, 1 प्याली ली है मैंने दही, 1 चम्मच ले रही हूँ लेमन जूस और ये छोटी वाली हरी मिर्चें 4 से 5 अदर ली है मैंने, इसको काट लिया है। यहाँ पे लिए इसका जो मेन मसाला है जो इसे मैं बताती हूँ, इसमें मैंने ये जीरा है इसको मैंने भून लिया है और बारीक पीस लिया है, और यहाँ पे लिया है साबुत धनिया, इसको भी मैंने भून लिया है और इसको पीस लिया है, और यहाँ पे पिसा हुआ धनिया ले रही हूँ 1/2 चम्मच, ये सफ़ेद मिर्च काली मिर्च जो होती है, इस तरह की सफ़ेद मिर्च होती है जैसे दक्षिणी मिर्चें भी कहते हैं, तो ये मैंने लिया है 1 चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला ले रही हूँ 1 चम्मच, नमक ले रही हूँ 1 चम्मच, और यहाँ पे तेल लिया है 1 प्याली लिए, और ये मैंने प्याज फ्राई कर लिए, 2 प्याज ली थी दरमियानी साइज़ की, उसको मैंने फ्राई कर ली है, गोल्डन फ्राई कर ली, ज़्यादा बिल्कुल इसको ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना हमने, और ये साबुत धनिया और जीरा ये 1-1 चम्मच है, 1 से 1.5 चम्मच है। तो चले पहले मैंने ले लिया ही डिश, इसमें मैं डाल ली दही और इसको पहले मैं बीट कर लेती हूँ। और साथ साथ में डाल रही हूँ जीरा, ये सब मसाले इसी में जाएंगे, और इसको मैरिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये साबुत धनिया जो भुना हुआ लिया था ये भी यहीं पे चला जाएगा। गार्निशिंग का मसाला मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, ये मैं बाद में दिखाऊंगी, और ये मसाले भी मैं यहीं पे डाल दूंगी। इसमें कोई लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डलती है आप, अगर और आपके पास ये सफ़ेद मिर्चें नहीं है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है, यानी दक्षिणी मिर्च का पाउडर नहीं है, तो आप इसके बदले थोड़ी सी काली मिर्च भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ साथ डाल दिया लेमन जूस, ये भी यहीं पे चला गया। बहुत इजी और सिंपल तरीके से बनती है ये, कोई मुश्किल नहीं है, तो ये भी मैं यहीं डाल रही हूँ। तो चलिए इसको सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं जो मैंने आपको दिखाया था गोश्त। आप चाहें तो इसको उसमें भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मटन में बनाएं। तो चलें इसके अंदर इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, अब यहीं पे मैं डाल दूँगी जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी, इसको मैंने फ्राई कर ली थी, तो इसको भी मैं यहीं डाल दूँगी, और बल्कि थोड़ा सा मसल के डाल दूँगी मैं, ये देखें हाथों से काफ़ी क्रंची सी प्याज हमारी फ्राई हुई है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने आज आपको दिखाई नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती, मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मेरे पास टाइम इतना था नहीं, वरना मैं आपको प्याज फ्राई करके और मसाला जीरा जीरा भून के पूरा सामान एक साथ करके दिखाती, इसलिए मैंने जीरा और साबुत धनिया पहले ही भून के पीस लिया था और प्याज भी पहले ही फ्राई कर ली थी। तो चलें इसको मैं मिक्स करके कर लिया मैंने, अब ये हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 1 घंटे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो भी आप ऐसे बना सकते हैं, पर ये इसके अंदर अगर आप मैरिनेट करके रख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पे इसको 1/2 घंटे के लिए रख रही हूँ, तो फिर आपसे 1/2 घंटे बाद मिलती हूँ। तो देखें 1/2 घंटा हो चुका है और इसका मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था, तो अभी यहाँ पे मैंने ले लिए है एक पॉट, उसमें डाल दी मैं तेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल जैसे हमारे गर्म होते हैं तो फिर मैं इसमें ये जो मैंने मैरिनेट करके रखा था गोश्त को वो मैं डाल दूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है, अब मैं बहुत ही एहतियात से डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तेल कितना अच्छे से गर्म हुआ है, ये भी डाल देंगे सारा हम यहीं पे, और आप यकीन नहीं करेंगे ये मैरिनेट हुए हुए तो ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, और जब ये तैयार हो जाए इसे लुक भी बहुत अच्छा लगता है पकने के बाद, और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताते रहिएगा कमेंट्स में कि कैसा बना है। देखें इसका मैं इसी दही के पानी के साथ अच्छे से पहले भुनाई करूँगी,
फिर इसमें पानी डलेगा क्योंकि हमें गोश्त को गलाने के लिए छोड़ना है। अभी 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी क्योंकि ये दही अपना पानी दही का जो पानी है वो खुश हो जाए, फिर मैं आपको से 10 मिनट बाद मिलती हूँ। 10 मिनट ढक के रखती हूँ, तो चलिए 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। दही का पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें तार ऊपर आ गई है और पानी बिल्कुल खुशक हो गया। इसको मैं अच्छे से भुनाई करूँगी क्योंकि हमने गोश्त को भी गलने के लिए छोड़ना है। तो अच्छे जैसे ही भुनाई हो जाती है फिर मैं इसमें डालूँगी 1.5 गिलास पानी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से भुनाई हो जाए, ये देखिए चम्मच में पकना शुरू हो गया है, तो समझिए हमारा तैयार है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए चम्मच में पक रहे हैं, तो समझिए आपका ये अच्छे से वह कच्चा पना गोश्त का ख़त्म हो गया, सालन का पे कच्चा पना ख़त्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी 1.5 गिलास पानी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अब इसको हम रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, यानी 1/2 से 1.25 घंटे यानी 30-45 मिनट्स के लिए। वैसे मैं रखनी हूँ इसको 45 मिनट्स के लिए, फिर आपसे 45 मिनट्स बाद मिलती हूँ, यानी 1.25 घंटे बाद। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, साथ ही साथ मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे मैंने लिया हरा धनिया और छोटी हरी मिर्ची है मेरे पास, तो ये मैं गार्निशिंग में लूँगी। तो इसको मैंने अभी धो लिया है, अब मैं इसको कटिंग कर दूँगी और हरी मिर्ची में कट लगा दूँगी ताकि इसका फ्लेवर सालन में आए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे 45 मिनट बाद। देखें 45 मिनट्स हो गए, यानी ये 1.25 घंटा हो चुका है। और ये मैं आपको दिखाऊं कि पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ ही साथ मैं गार्निशिंग करूंगी इसमें। चलें अच्छे से भुनाई कर लूं। और मैंने स्लो ही आज रखी थी, मैंने आपको सॉरी मैं बताना भूल गई थी, मैंने आज बिल्कुल थोड़ी स्लो रखी थी, ज़्यादा तेज़ नहीं करी थी, तो क्योंकि हमने तेज़ आँच पर नहीं पकाना होता खाना। देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चम्मच में भी पकना शुरू हो गया है, तो समझे हमारे अच्छे से भुनाई हो चुकी है। आप यहीं में मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें, इसमें मैंने कट लगा लिया हरी मिर्चें में, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दी हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने बचा लिए, बस ये रेडी है, बस 2 से 3 मिनट में इसको साथ साथ चम्मच से मिक्स कर लूँ, फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो यहाँ पे देखें बाल्टी गोश्त का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पे बाल्टी गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखा करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।